क्या आप क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए पैशनेट हैं और आपकी आंखें बारीक से बारीक चीजों के ऊपर भी चली जाती हैं? अगर हाँ तो मेरे पास है आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ये वैकेंसी एक ऐसी कंपनी के बारे में है जो कंपनी मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है और साथ ही साथ एक्सपोर्टर भी है लेदर आइटम्स की। ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1999 में और इस कंपनी का एम है कि ये विथ जीरो डिफेक्ट आइटम्स को पहुंचाए अपने कस्टमर तक। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी का ओनर या क्वालिटी डिपार्टमेंट ही क्वालिटी के पीछे जाता है, एवरीवन, एवरी डिपार्टमेंट दे फोकस ऑन मेंटेनिंग क्वालिटी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन सच अ नाइस ऑर्गेनाइजेशन वेयर नॉट ओनली अ सिंगल डिपार्टमेंट इज फोकसिंग ऑन क्वालिटी, जबकि सारे के सारा डिपार्टमेंट ही फोकस करता है क्वालिटी के ऊपर। सो एज अ क्वालिटी कंट्रोलर या एज अ क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है कि आप क्वालिटी स्टैंडर्ड को बहुत हाई मेंटेन करें, जिससे कि कंपनी आज के लेवल से भी ऊपर उठ पाए और इंडस्ट्री में अपना एक रिमार्केबल पोजीशन अचीव कर पाए। ये कंपनी ऐसे इंडिविजुअल्स को सर्च कर रही है जिसके पास टेक्सटाइल का या फिर लेदर का या टेक्सटाइल और लेदर दोनों का नॉलेज हो, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो कि क्विक लर्नर हैं और वो कम टाइम में ही चीजों को अच्छे से सीख जाते हैं। तो अगर आप इस जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको कैसा होना चाहिए? आपको 100% जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, क्वालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए और आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि आप एक टीम को हैंडल कर सकें अंडर प्रेशर रहते हुए। सो इस कंपनी में आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन के एक्सचेंज में आपको जो सैलरी मिलने वाली है दैट इज अप टू 20,000 सैलरी फॉर फ्रेशर्स, ओके। और यहाँ पे कंपनी के साथ साथ आप भी ग्रो करेंगे और आप भी नई नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे। सो अगर आप रेडी हैं इस चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी आप रजिस्टर करेंगे, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो जॉब पोजीशन है ये आपके लिए बेस्ट फिट है, तो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है, देन कंपनी विल कॉन्टेक्ट यू विद इन 3-4 वर्किंग डेज। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।